नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और एचपीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से लौटी ठंड, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट। आरा हाईवे जाम, लखनऊ में एलआईसी कर्मचारी हुए बंद में शामिल, ट्रेड यूनियन द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी। ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी बंद का सबसे ज्यादा इन राज्यों पर असर। ईरान यूएस तनाव के बीच भारत ने जारी किया अलर्ट, एयर स्पेस के इस्तेमाल से बचने की दी सलाह। सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ी केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 को सुनवाई। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर केंद्र की याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी। अब खबरें विस्तार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से लौटी ठंड, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। लखनऊ में एलआईसी कर्मचारी हुए बंद में शामिल, ट्रेड यूनियनों द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी। बंद का असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। यहां ट्रेन और सड़क परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के काचरापाड़ा और हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। बंद को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ट्रेड यूनियन द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी बंद के दौरान सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने पटना आरा हाईवे को जाम कर दिया। ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी बंद का सबसे ज्यादा इन राज्यों पर असर। ट्रेड यूनियन द्वारा आज बुलाए गए देशव्यापी बंद का असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिला है। यहां ट्रेन और सड़क परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। बिहार में भी बंद का असर देखने को मिला है। पटना में छात्र संगठनों ने काफी बवाल मचाया है। राजेंद्र नगर के पास ट्रेन रोकने की कोशिश हुई, पुलिस द्वारा छात्र नेताओं को स्टेशन से हटाया गया। ट्रेड यूनियन का कहना है कि केंद्र की तरफ से आर्थिक शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ाने का और जन विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है एचबीएन न्यूज पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचबीएन न्यूज चैनल में। अब करते हैं खबरों की ओर। ईरान यूएस तनाव के बीच भारत ने किया अलर्ट, एयर स्पेस के इस्तेमाल से बचने की दी सलाह। इराक में दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्हें इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर मध्य पूर्व देश के लिए सभी गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ी केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 को सुनवाई। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर केंद्र की याचिका पर 10 जनवरी शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पर अपनी सहमति दी है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।